नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल गोविंद। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरीज के बेस पे। दोस्तों, मैं इसमें आपको बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। वो अपडेट क्या है इसमें बताते हैं आपको। दोस्तों, यहाँ लिख रहा है ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पर लिख रहा है कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं आपके, वो भी ग्रुप सी डी और ई के। दोस्तों, इसका ट्रेड टेस्ट का सेंटर कहाँ गया है, आपके कहाँ होगा पेपर, दोस्तों सारी जानकारी इसमें इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। और दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट किया है या चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बगल में घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की पूरी जानकारी देते हैं आपको, बताते हैं क्या है पूरी डिटेल। दोस्तों, आप अभी जिन लोगों को कैसे डाउनलोड करना है एडमिट का वो बता दो। दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ लिखेगा आरपीएफ प्रोटेक्शन फोर्स और आरपीएफ प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स दिखे। दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है आप लोगों को कॉल लेटर फॉर टी टी एंड डीवी। दोस्तों, इस पर क्या करना है, बेसिकली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा, टू सेलेक्ट अ ग्रुप टू गेट अ कॉल लेटर फॉर टी टी एंड डीवी, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ चार ग्रुप का आ चुका है। दोस्तों, यहाँ ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप डी। दोस्तों, हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप डी का आ चुका है जो कि एडमिट कार्ड है। यही बड़ी बहुत बड़ी अपडेट है जिसकी वजह से मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये आपको कैसे डाउनलोड करना है, जिन लोगों को नहीं पता कैसे डाउनलोड करना है, दोस्तों इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ कैसे डाउनलोड करना है इसे। दोस्तों, बेसिकली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जो अभी खुल रहा है, अभी हमारे जो खुल रहा है। यहाँ पे खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुले, जैसे लिख रहा है आरपीएफ और आरपीएसएफ अ कॉल लेटर फॉर लॉगिन टी टी एंड डीबी, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, ठीक है। दोस्तों, जिन लोगों का नहीं खुलेगा दोस्तों, वो लोग हमें मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको पूरी डिटेल उस पर दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर भर के, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद दोस्तों यहाँ बेसिकली क्या करना है, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका इंटरफेस खुल जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि आपका जो है ट्रेड टेस्ट कहाँ होगा। दोस्तों, मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोस्तों जो ग्रुप डी का ट्रेड टेस्ट है वो दोस्तों कहाँ होगा, लखनऊ में होगा या फिर दोस्तों आपका बनारस हो सकता है। दोस्तों, यही दो बीच में आपका पड़ सकता है, कहीं दूर नहीं जाएगा दोस्तों। दोस्तों, ये पूरी डिटेल है जो कि सबसे पहले हमारे चैनल पर दिखाई जा रही है, ठीक है। दोस्तों, आप कोई भी बड़ी अपडेट होती है दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल पर दिखाई जाती है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किया या चैनल के लिए सब्सक्राइब, बगल में घंटे का बेल आइकन, क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए अपडेट लाते रहते हैं रेलवे से जुड़ी और आरपीएफ से जुड़ी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नई अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों देखते रहिए टेक्निकल गोविंद।